अगर आपको अपने घर या दुकान की सिक्योरिटी के लिए कम बजट में एक अच्छा सीसीटीवी कैमरा चाहिए जिसमें सभी लेटेस्ट फीचर्स हो, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कम बजट में एक अच्छा सीसीटीवी कैमरा दिखाने वाला हूं, जिसको आप अपने घर या दुकान की सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये सीसीटीवी कैमरा सेटअप करने का कंप्लीट प्रोसेस भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है MI होम सिक्योरिटी कैमरा, जिसकी MRP है 3,999 रुपए, लेकिन इसको आप ऑनलाइन Amazon से बाई कर सकते हैं 2,799 रुपए में। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो मार्केट में कई तरह के सीसीटीवी कैमरास अवेलेबल है, लेकिन 3,000 रुपए की रेंज में ये सबसे बेस्ट सीसीटीवी कैमरा है। इसमें आपको HD वीडियो के साथ साथ ही इंफ्रारेड, नाइट विजन और टॉक बैक फीचर भी मिलता है। इसमें आपको मोशन डिटेक्शन का फीचर भी मिलता है कि अगर कैमरे के सामने कोई ऐसी चीज आती है जिसमें मोशन होता है, तो आपको तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। 360 डिग्री के एंगल पर इससे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक बार इस कैमरे को सेटअप करने के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओपन करने पर इसमें आपको एक एडाप्टर मिलता है, जिसके थ्रू आप कैमरा को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे। इसमें क्योंकि बैटरी नहीं होती, तो आपको 2400 घंटे इसको कनेक्ट करके रखना होता है। इसके साथ का केबल काफी लंबा है, तो आप आसानी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये है सीसीटीवी कैमरा, जो कि 360 डिग्री पर रोटेट होता है। व्हाइट कलर का काफी खूबसूरत कैमरा है। इसको अगर आप चाहें तो टेबल पर रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दीवार या छत में भी माउंट कर सकते हैं। इसमें आपको एक रिसेट बटन मिलता है, और पीछे यहाँ पर आपको स्पीकर मिलते हैं। एक बार सेटअप करने के बाद आप अपने मोबाइल फोन से जो भी बोलेंगे वो यहाँ पर सुनाई देगा, और साथ ही इसमें माइक भी है। कैमरा के सामने जो पर्सन होगा वो जो भी बोलेगा वो आपको आपके मोबाइल पर सुनाई देगा। साथ में ये है माउंट, जिसके थ्रू आप इसको वॉल पर या छत में माउंट कर सकते हैं। एक मैनुअल गाइड है, जिसको रीड करके आप समझ सकते हैं कि इसका सेटअप आपको कैसे करना है। इस कैमरा से आप लाइव वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइव वीडियो देखने के साथ साथ ही उनको रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक SD कार्ड इंसर्ट करना होगा। ये 64 GB तक का SD कार्ड सपोर्ट करता है। SD कार्ड आपको अलग से बाय करना होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सेटअप कैसे करना है। तो पहले आप इसको एडाप्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करते ही इसमें आपको एक इंडिकेटर लाइट शो होगी, और साथ ही ये रोटेट करेगा। इन केस अगर ये रोटेट नहीं करता या इंडिकेटर लाइट आपको शो नहीं होती, तो आप इसको एक बार यहाँ से रिसेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप में आपको साइन इन करना होगा, जिसके लिए आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पहले से MI अकाउंट है, तो आप यूजर ID पासवर्ड डालकर साइन इन करेंगे, वरना आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आप एक MI अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिसके लिए आप एक मोबाइल नंबर OTP डालकर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद एक पासवर्ड सेट करेंगे। अकाउंट क्रिएट हो चुका है, इसके बाद आप ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप एड ए डिवाइस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको MI होम सिक्योरिटी कैमरा मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जिस वाईफाई से आप अपने कैमरा को कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने QR कोड आ जाएगा। ये QR कोड आपको कैमरा के सामने लाना है, और जैसे ही आपको आवाज आती है स्कैन्ड सक्सेसफुली, तो आप यहाँ टिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको कैमरा के सामने लाता हूँ, आप देख सकते हैं डिवाइस ऐड हो चुकी है और ये ऑनलाइन हो चुका है। यहाँ पर आप इसका कोई भी एक नेम चूज कर सकते हैं, या फिर आप प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर नेम टाइप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, डिवाइस का नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैमरा सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। इसके बाद आप दुनिया में कहीं से भी इस कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यही एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है उससे आप लॉगिन करेंगे, तो आपके सामने इसका एक्सेस आ जाएगा। यहीं से आप कैमरा को रोटेट कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट साइड, आप यहीं से इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से, और आप रोटेट करके अपने पूरे कमरे का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो कैमरा रोटेट हो रहा है, और इससे हम एक ही जगह पर रखकर पूरे कमरे का, पूरे एरिया का व्यू देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो आप वीडियो आइकन पर क्लिक करके वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं,
अभी कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। जो एसडी कार्ड आप कैमरा में इंसर्ट करते हैं उससे कैमरा में 2400 घंटे वीडियो रिकॉर्ड होता रहता है, और यहाँ पर आप जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ये आपके मोबाइल फोन में सेव होती है। स्टॉप पर क्लिक करके आप स्टॉप कर सकते हैं, ये वीडियो आपके मोबाइल फोन में सेव हो जाएगी। अगर आपको कैमरा से कोई फोटो कैप्चर करना है तो आप कैमरा आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एक फोटो कैप्चर हो गया है। अगर आपको कैमरा में कुछ बोलना है तो आप यहाँ माइक पर क्लिक करेंगे और आप जो भी बोलेंगे वो यहाँ कैमरा पर सुनाई देगा, और कैमरा के सामने कोई भी पर्सन जो बोलेगा वो आपको मोबाइल फोन में सुनाई देगा। कैमरा में आप जो एसडी कार्ड इंसर्ट करते हैं उसमें 2400 घंटे वीडियो रिकॉर्ड होता रहता है। इसके अलावा जब आप चाहें अपने मोबाइल फोन में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी भी टाइम कैमरा को एक्सेस करने के लिए आप इसी ऐप को ओपन करेंगे, जितने भी कैमराज आपने इसमें लिंक किए हुए हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। जिस कैमरे को भी आप एक्सेस करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। यहीं से अगर आप चाहें तो कैमरा को ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें आपको कैमरा व्यू मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो फुल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आप यहां क्लिक करेंगे और इस तरह से आप फुल स्क्रीन पर कैमरा देख सकते हैं। यहीं से आप कैमरा रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से, और यहीं पर आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। 3000 रुपए की रेंज में ये एक बेस्ट सीसीटीवी कैमरा है, जिसको आप अपने घर या दुकान की सिक्योरिटी के लिए परचेज कर सकते हैं, और एक बार सेटअप करने के बाद आप दुनिया में कहीं से भी इसको अपने मोबाइल फोन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।